नमस्कार दोस्तों, एम एस डब्ल्यू के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जॉब के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको जो आपके एनजीओ है 3 साल का तो कंप्लीट हुआ है उसके लिए एक प्रोजेक्ट आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट है युवा प्रोजेक्ट, रिक्वेस्ट प्रपोजल आप देख सकते हैं। 21 जून को ये इश्यू हुई थी और डेडलाइन आप देख सकते हैं 15 जुलाई तक आपको इसमें अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन, कैसी प्रपोजल बनानी है, सारे डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, जो लिखा गया है वही बैकग्राउंड आपको टाइप करना है। कॉन्टेस्ट आप देख सकते हैं, जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है द नेक्स्ट जनरेशन युवा। जो प्रोजेक्ट है ये बिहार महाराष्ट्र को दिया जाने वाला है, जो बिहार और महाराष्ट्र में जो एनजीओ है उसको दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट आप 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप प्रोजेक्ट की सारी डिटेल जान सकते हैं। स्टेटमेंट वर्क की बात करें, जो आपको 3 साल कंप्लीट होने चाहिए एनजीओ में और अच्छी सारा वर्क किया होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, जो लिखा गया आप देख सकते हैं, मॉडल डेवलपमेंट जो काम किया होना चाहिए, जो उसमें लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश और हिंदी और मराठी है। ये प्रोजेक्ट बिहार और महाराष्ट्र में दिया जाएगा, जो बिहार और महाराष्ट्र में जो एनजीओ है उसको दिया जाएगा। जो सारी डिटेल इस डिटेल दे सकते हैं, आपको ये अप्लाई करना है, जो मेल आईडी दिखाई दे रहा है उसमें जाके आपकी सारी प्रपोजल उस पर सेंड करनी है। 15 जुलाई तक आपको इसमें प्रपोजल सेंड करनी है। प्रोजेक्ट टाइमलाइन है, जो 15 जुलाई तक आपको इसमें अप्लाई करना है। ये आपको मेल आईडी दिखा रहे, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस मेल आईडी पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा। टेक्निकल प्रपोजल की बात करें, जो 1 कवर मैक्सिमम सिग्नेचर वर्क कवर पेज होगा ना होना चाहिए, एसिडेशन 1 पेज होना चाहिए। प्रपोजल अप्रोच की बात करें, 3 पेज का होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो 1.5 पेज में अप्रोच किया होना चाहिए। प्रपोजल 2 पेज की होनी चाहिए। एनुअल जो आपने काम किया है, जो इंटरेस्ट फॉर्म जो है वो 2 से 3 पेज में आपका एनुअल काम होना चाहिए। कोस्ट प्रपोजल की बात करें, जो आपको प्रपोजल बनानी है उसकी बात करें तो उस प्रपोजल 9 पेज लिमिट, आप जितनी भी अच्छी बनाओ और बड़ी बनाओ तो चलेगा। सिंगल कवर पेज में आपका बजट जो है वो भी आपको करना है। बजट की बात करें, जो आपको 3 ईयर्स का जो ऑडिट किया हुआ है, पैन कार्ड सारे सर्टिफिकेट उसमें आपको पोस्ट करने हैं, यानी कि जी मेल आईडी दिखाई दे रहा है उस पर जाके आपको पोस्ट कर। अदर डेटा आप देख सकते हैं, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर की सारी पोजीशन है उसको आपको मेंशन करनी है। अदर आप डिटेल देख सकते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं। आपको ये PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो इसके प्रोजेक्ट के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या क्या क्वेरी है। जो क्राइटेरिया 100 पॉइंट का है, 55 पॉइंट टेक्निकल है, पर्सनल 55 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी 15 पॉइंट की है और कोस्ट एलिजिबल 15 पॉइंट, यानी कि आपको जो पेमेंट की बात करें, पहले 15 पॉइंट 15 टका पेमेंट दी जाएगा, दूसरी सेशन में 15 टका, तीसरे सेशन में 15 टका, ऐसे करके 100 टका आपको पेमेंट दिया जाएगा। आपको इसमें अप्लाई
कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको मेल आईडी दिखाई दे रहा है वहाँ जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।